कन्हैया जी, आप आज हस्तिनापुर जा रहे हैं तो दीदी ने आपके लिए खाना पैक किया है। थैंक यू। बनाया मैंने है, पैक दीदी ने किया है। प्रिनेसेसी दिमो कोटे, मेरी तरफ से ये गुलकंद का डिब्बा। खाते भी रहना और महकते भी रहना। I mean, इसके गुलाबों की खुशबू आपको मेरी याद दिलाती रहेगी। कन्हैया जी, मेरी तरफ से ये आइसक्रीम। आप जब हस्तिनापुर में इसे खाएंगे ना तो फोटो क्लिक जरूर कीजिएगा और मुझे टैग भी कीजिएगा। हस्तिनापुर? हस्तिनापुर इसे कैसे लेके जाऊं? ये तो अभी से ही टपक रही है। अच्छा, अब मैं काम करती हूँ, इसे ग्लास में डाल के दे देती हूँ, आप जूस समझ के पी लीजिएगा। लेकिन जब आप इसे पिएंगे तो फोटो क्लिक जरूर कीजिएगा और मुझे टैग भी कीजिएगा। और आप क्या लेके आई हैं? वो जो बहुत जरूरी है, आधार कार्ड और ये मोबाइल चार्जर, रख लीजिए। अरे मैं अकेले ही खा रहा हूँ, आप लोग भी तो खाइए। दीदी नहीं लेगी, उनका करवा चौथ का व्रत है आज। पर करवा चौथ का व्रत तो कल है ना? सत्य, परंतु प्राणनाथ, विशेष धार्मिक त्योहार उत्सव हेतु एक दिवस तो प्राप्त नहीं, हमें तो अत्यधिक प्रकाशता उपरांत ही पूर्ण रूप संपन्नता का आभास होता है। दीदी के लिए कोई भी पूजा एक दिन में पूरी नहीं होती, कह रही है दीदी। कन्हैया जी, लोगों के लिए गणपति 11 दिन के लिए आते हैं पर दीदी 22 दिन मनाती है। नवरात्रि 9 दिन की होती है पर दीदी 18 दिन व्रत रखती है। करवा चौथ भी कल है लेकिन दीदी ने व्रत आज से ही रखा है। हाँ, पानी भी नहीं पीती। नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं तो भूल ही गई थी, कल करवा चौथ है। आपके समक्ष एक निवेदन है, बिन अन्न भोज बिन जल एवं स्वामी दीर्घायु दिवस पूर्ण करने हेतु आगामी दिवस के उचित समय पर कृपया अवश्य पधारिएगा। कल हस्तिनापुर से टाइम से आ जाएगा, आपके हाथ से पानी पी के ही व्रत खोलना होगा, कह रही है दीदी। कन्हैया, मैं पानी पी के नहीं, चांदनी रात में आपके हाथ से ब्लैक कॉफी पी के अपना व्रत खोलूंगी। रात को क्यों? मम्मी जी तो कहती है कि किसी भी अच्छे काम में देर करनी चाहिए नहीं, इसलिए मैं तो शाम को ही व्रत खोलूंगी। अरे करवा चौथ का व्रत चांद निकलने के बाद ही खोला जाता है, ये भी नहीं पता? अब क्या ये बात भी दीदी कह के बताएंगी? तो ठीक है, रात को चांद निकलने के बाद फिर से व्रत खोलेंगे, मुझे इसमें परेशानी नहीं। तो आप सब कल करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं? वैसे सच बताऊं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब हमारे भूखे रहने से आपकी उम्र कैसे लंबी हो सकती है? लेकिन ये तो एक रीत है तो निभानी तो पड़ेगी, अगर नहीं निभाएंगे तो सासू मां बुरा मान जाएंगी, इसीलिए व्रत तो रखना ही पड़ेगा। लो, इन पांचों ने तो करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला कर लिया है। हाँ, मतलब साले साहब की सातों जन्म तक 5 बीवियां और आपकी 5 बहुएं, फिक्स, पक्का। ओ माता, इस उम्र में छुप के सिनेमा देख रही हो? टिकट लिया? देखो। मैं तो बता रही हूँ, सबको बता दो ये बात। अरे कहाँ बताऊं? ये शिवजी ने कहा है कि अगर सबने व्रत रखा तो 7 जन्मों तक 5-5 बीवियां होंगी भैया की। हमें नहीं चाहिए मैया। अरे हमें नहीं चाहिए मैया, साले साहब से तो पूछ लो, हो सकता है उसको चाहिए। ओ मैडम, अपनी सीट पे आके बैठिए, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, बैठिए अपनी सीट पे। और आप यहाँ खड़े रहिए, जब तक सीट नहीं मिलता खड़े होकर सिनेमा देखिए। हाँ, तो शिवजी ने क्लियर किया था कि अगले जन्म में कन्हैया कहाँ पैदा लेगा, हो सकता है पेड़ पौधा बन जाए, तो पेड़ पौधा का 5 बिया होता है। धमाद जी, चुटकुले मत सुनाओ, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। बताएंगे लेकिन एक शर्त है, आपको हमारा पॉकेट खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, 3500 नहीं होगा, 500-700 रुपए का पॉपकॉर्न खा जाती है। ए, बची खुची जेब खर्ची भी बंद कर देंगे, पहले हमारी समस्या का हल बताओ। तो सासू माँ, ये जो करवा चौथ का व्रत का आइडिया है ना, तो 5 बहुओं को मना कर दो, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ऐसे कैसे मना कर दो, मेरे लल्ला की लंबी उम्र का सवाल है। ओ मैडम, सुन रही हो कि याद दिलाना पड़ेगा, व्रत रख लेना, पति है तुम्हारे। हमें नहीं रखना, और वैसे तुम्हें कौन झेलेगा पतिदेव? कितने पाप किए हो ना मैडम तुमने, अगले जन्म में माचिस की तीली बनोगी, एक बार जल के खत्म। हाँ हाँ, और तुम बोतल के ढक्कन से ज्यादा कुछ नहीं बनोगे। ए मकले जन्म मोहे का कीजियो, खेलना बंद करो। ये भोले भंडारी कौन सी दुविधा में फंसा दिए। पांचों अपनी और हमारे लल्ला से प्यार भी करती, अब अपनों के बीच कैसे भेदभाव करूं? कौन सी एक लल्ला के लिए व्रत रखेगी और कौन सी चार को मना करूं? मैया हुँ? फिर तो मटकी में 5 पर्ची डालकर ही फैसला होगा। नहीं नहीं, उनकी किस्मत का फैसला मैं पर्ची डालकर नहीं करूंगी। चलते हैं हम। कहाँ चलती है? अब कोई आइडिया नहीं है मेरे पास। मेरे पास है, क्यों ना उनकी किस्मत का फैसला उन्हीं पर ही छोड़ दे। मेरा मतलब उनमें से कोई ना कोई बहू किसी ना किसी काम से घर से बाहर तो निकलेगी ना। तो कब मार्केट में जाके ये सब बात करोगी? जो बहू सबसे पहले घर से बाहर निकलेगी ना, वही रखेगी मेरे लल्ला के लिए करवा चौथ का व्रत। मैया हम भाभियों पे नजर रखने बैठे हैं, कपालभाति करने? खाली बैठ के इंतजार करने से तो अच्छा है कि थोड़ी सेहत बन जाए। चुपचाप करो। सासू माँ अंदर की बात बोले हैं। पत्नी लोग जो है ना, करवा चौथ का व्रत इसीलिए नहीं रखती है कि पति की लंबी उम्र हो, वो तो रखती है कि सासू माँ की कम उम्र हो जाए। नहीं मतलब ऐसा कोई व्रत होता तो हम रखते। हो कर आए, कोई क्यों नहीं आ रही है आज? सासू माँ संतो नायक तरह जोर से आवाज लगाओ जरा। शाहरुख खान आया, शाहरुख खान आया, तुरंत बाहर आ जाए। शाहरुख खान आया, चुपचाप बैठे रहो। नौटंकी। स्वेटर ना बुन रहे हैं, चुपचाप ही बैठे हुए हैं। ज्यादा दिमाग की दही ना करो, नहीं तो दही में भतूरा मिला के खिला देंगे तो सावधान इंडिया देखते देखते निकल लोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मजाक नहीं कर सकते सासू माँ, देखिए कैसे सीरियस हो रही है। अरे टाइम पास करने के लिए क्या करे? टाइम है जो कटके नहीं, सासू माँ की वजन है जो घटके नहीं। ये भी मजाक है? ये बहुत सीरियस है। सुबह सुबह ज्यादा शेयर क्या करो। लो पारी भाभी आ गई। बेचारा भैया अब 7 जन्मों तक यही मिलेंगी। नहीं, मुझे किसने याद किया? मैंने। ओह नंदोई जी, बाहर जाते जाते वापस क्यों आ गई? नंदोई जी मैं करवा चौथ स्पेशल 7 जन्म की 7 रंग की 7 लिपस्टिक्स लेने जा रही हूँ।